हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के जनपद हापुड़ में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बदमाश सद्दाम को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों व सद्दाम के परिजनों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट कर आरोपी को छुड़ा लिया, जिसके बाद सूचना पर सीओ हापुड़ व थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला धौलाना थाना क्षेत्र के गांव पीपलेड़ा का है, जहां पर देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि सद्दाम नाम का शख्स गांजा तस्कर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हापुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सद्दाम को पकड़ लिया। इस पर सद्दाम के परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम से जमकर अभद्रता की और पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों व बदमाश के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, साथ ही गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। ये थाना धौलाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव पिपलेड़ा का रहने वाला एक बदमाश है सद्दाम पुत्र इस्लाम, जिसकी कुछ गतिविधियां संदिग्ध थी, कुछ एनडीपीएस मादक पदार्थ के बेचने के मामले में उसकी सूचना मिल रही थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गांव में गई थी। वहां जो महिलाएं हैं कुछ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने इसका विरोध किया और इसमें सद्दाम को गिरफ्तार करने से रोका है, जिसमें कुछ महिलाओं के द्वारा इसमें पुलिस के साथ अभद्रता की गई है। बाकी गांव के कुछ लोगों के द्वारा भी इसमें विरोध किया गया था। इसमें तत्काल एक अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना धौलाना पर और इसमें जो भी लोग शामिल थे उनको चिन्हित किया जा रहा है। बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने सद्दाम वे 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। Time24 के लिए हापुड़ से शाहरुख खान की रिपोर्ट। Time24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।